नारा चोपड़ा के साथ ईशा ने जो है बड़ी वाली लड़ाई की है। सब चीज़ें तो भाई टोटली साइलेंट है, बट इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से जो है बहुत सब चीज़ें पता चलती हैं। ये चीज़ तो मुझे पता चल गई कि मैं जो मतलब कि देख के गॉसिप करती हूँ ना, मुझे देखना ही काफ़ी होता है। गॉसिप तो मैं कैसे भी कर सकती हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। तो ईशा जो है, कल रात की बात कर रही हूँ, जैसे खाना वाना इन लोगों ने बनाया और दिमाग के मकान में आके बैठे, वहाँ पर अभिषेक भी था, वहाँ पर जो है अंकिता की मम्मी भी मतलब कि कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए वो गए थे, और ये लोग जो है घर में ही हैं। और वहाँ पर रही बात मनारा की, मनारा और ईशा और अंकिता और विक्की जो है वहाँ पर समर्थ भी थे, सब लोग वहीं पर थे, और वहाँ पर कुछ बात होती है। ईशा जो है कुछ बात को लेके थोड़ी हाइपर हो जाती है मनारा के ऊपर, पर मनारा बोलती है कि ये चीज़ मैंने नहीं, उन्होंने बोली है। वो इशारा करते हैं, पर एक बात को लेके ये दोनों जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बहस जो है शुरू हो जाती है, जहाँ पर ईशा का कहना ये है कि भाई वो जो बोल रही है वो सही है, मनारा का कहना ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा हुआ था। तो दोनों जो है अपनी अपनी बात पर अटकी हुई हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हुई है, और इन दोनों के बीच में जो है बहस चालू हो गई। हालांकि घर वालों के घर वाले तो आए, कुछ देर के लिए ये लोग शांत तो रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी लड़ाई झगड़ा ना करें। अब जैसे ही ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और उनकी वाइफ कंफर्टेबल हो गई है, विक्की और अंकिता की मम्मी लोग कंफर्टेबल हो गए हैं, तो ये लोग भी उनको देख के कंफर्टेबल हो गया, तो इसीलिए इन लोगों ने अपनी लड़ाई झगड़ा जो है शुरू कर दिया है। पर ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिरकार क्लियर लड़ाई हुई किस वजह से है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।